हे स्टूडेंट्स बच्चे लास्ट टर्न में हमने बात करी थी एससी और एस के बारे में आज हम ओ यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में बात करेंगे इनको कॉन्स्टिट्यूशन में डिफ़ाइन किया गया है ऐसे सो, ऐसे सोशली एंड बैकवर्ड सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ठीक है आर्टिकल थ्री फोर्टी बनाया है जिसके अकॉर्डिंग जो स्टेट है वो जो गवर्नमेंट है वो वेलफेयर ऑफ ओ को प्रमोट करेगी आर्टिकल थ्री फोर्टी वन है जिसके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट ऐसा कमीशन बना सकता है जो उनकी जो भी उनकी कंडीशन है उसको देखेगा अब देखो स्टेप्स क्या लिए गए बेटा ट्वेंटी सेवन परसेंट सीट्स रिजर्व कर दी गई हैं गवर्नमेंट जॉब में द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स लॉन्च वेरियस स्कीम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ ओ बी सीज सच एस प्री एग्जामिशन कोचिंग टू इनेबल द कैंडिडेट्स टू कम्पीट इन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्री एग्जामिनेशन कोचिंग भी इन लोगों के लिए है कि काफ़ी एग्जाम्स में ये लोग कम्पीट कर सकें इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दी जाएगी प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में इंटरेस्ट फ्री लोन्स भी हैं इनके लिए कुछ वॉल्ट्री ऑर्गेनाइजेशन वो भी गवर्नमेंट फंड देता है इनके काम के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट भी इनके लिए बनाई गई है इसके अलावा बेटा कुछ माइनॉरिटीज़ भी हैं पेज नंबर टू हंड्रेड थ्री पे देखो माइनॉरिटी वर्ड यूज़ किया जाता है उन कम्यूनिटीज़ के लिए जो थोड़ी कम है देखो तो आप मुस्लिम सिख्स पारसीज क्रिश्चनस एंड बुद्धिस्ट ये माइनॉरिटीज़ हैं और एटीन पॉइंट फोर एट परसेंट आपकी इंडिया की पॉपुलेशन को कंस्टिट्यूट करती हैं अब देखते हैं क्या क्या है इनके लिए आर्टिकल ट्वेंटी नाइन वन सबको अपनी जिसके अकॉर्डिंग सबको अपनी लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर को कंजर्व करने का राइट है फिर है टू ट्वेंटी नाइन टू नो सिटीज़न कैन बी डिनाइड एडमिशन टू एनी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन क्लियर है ये तो सिंपल चीज़ें देख पा रहे हो आर्टिकल नंबर आर्टिकल थर्टी सारे रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना सकते हैं अपनी चॉइस के फिर आर्टिकल थ्री फिफ्टी जो स्टेट है यानी गवर्नमेंट उसको सारी फैसिलिटीज़ इम्पार्ट करनी है मदर टंग के लिए मदर टंग इन द प्राइमरी लेवल बचपन मतलब जो छोटी क्लासेस में स्टडी होती है वो उसको देखना है कि मदर टंग में कराए वो थ्री फिफ्टी बी स्पेशल ऑफिसर होना चाहिए लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ मीन्स जैसे अगर मैक्सिमम लोग हिंदी बोलते हैं तो जो दूसरी लैंग्वेज बोलने वाले जो कम जो लैंग्वेज बोलने वाले माइनॉरिटीज़ हैं कम लोग हैं इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन हार्मनी नेशनल इंटीग्रिटी एंड यूनिफॉर्म डेवलपमेंट चाहती है अब ये जो भी सोशल रिफॉर्म्स है बच्चों ये कैसे आए हैं उनके लिए कुछ इम्पोर्टेंट हमारे रिफॉर्मर्स हैं उनकी बात करते हैं जैसे विवेकानंद ज्योतिबा फुले महात्मा गांधी बी आर अम्बेडकर इन्होंने जो अन की प्रैक्टिस थी इनको कंडेम किया मना किया कि ये अच्छी नहीं है स्वामी विवेकानंद ने कास्ट सिस्टम के को मना किया कि इसको बंद करो कास्ट सिस्टम ठीक नहीं है और उन्होंने बताया कि जो हिंदुओं का रिलीजियस टेक्स्ट है वो किसी भी तरीके से अनटचबिलिटी को नहीं प्रमोट करता ज्योतिबा फुले इन्होंने शोधक समाज बनाया 1848 में एंड कोई इसमें कास्ट या रिलीजन के बेसिस पर डिस्ट्रिक्शन नहीं था महात्मा गांधी ने जो अनटचेबल पीपल है उनके लिए हरिजन वर्ड यूज़ किया यानी भगवान के लोग ठीक है ऑल इंडिया एंटी एंटी अनटचबिलिटी लीग चलाई उन्होंने ठीक है और एक वीकली जर्नल भी स्टार्ट किया हरिजन नाम से नाइनटीन थर्टी थ्री से नाइनटीन थर्टी फोर के बीच में ये उनके क्वार्टर्स में जाते थे उनके साथ खाना खाते थे और साथ ही में उन्होंने हरिजन सेवक संघ भी बनाया है बच्चों फिर नेक्स्ट है हमारे बी आर अम्बेडकर इन्होंने इनक्वालिटी इज दोल ऑफ़ हिंदुज़्म लिखा कि हिंदुज में हिंदुओं में जो इनक्वालिटी है वो उसकी सोल है उन्होंने बहुत सारे एजेंडाज और मोमेंट्स लागू किए चालू किए टचबिलिटी के खिलाफ नॉन वायलेंट कैंपेन्स चलाए क्लियर है स्टूडेंट्स नेक्स्ट में हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पढ़ेंगे